अमृतसर में दशहरे के दिन रावण दहन के दौरान जोड़ा फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 61 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बहुत ही गंभीर है। दरअसल शुक्रवार की शाम दशहरे के मौके पर रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। लोग रेल की पटरियों पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार में आ रही ट्रेन ने सैकड़ों लोगों को कुचल दिया और तेजी से आगे बढ़ती गई। ट्रेन जलंधर से अमृतसर आ रही थी और उसी बीच अमृतसर में जोड़ा फाटक के पास ही हादसा हो गया। ट्रेन के चालक अरविंद कुमार को पंजाब और रेलवे पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अरविंद कुमार को लुधियाना रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया था और शुक्रवार रात को हुई इस घटना के संदर्भ में पूछताछ की गई। हादसे को लेकर अरविंद कुमार ने अपना लिखित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पूरे हादसे के बारे में बताया। बता दें कि यह लिखित बयान पूरे आधिकारिक रूप से ड्राइवर की तरफ से आया है। अरविंद कुमार ने अपने बयान में लिखा है, मैंने 19 अक्टूबर को शाम 5 बजे चार्ज लिया। जलंधर से चलकर मैं शाम 6:44 मनावला पहुंचा। 6:46 येलो सिग्नल और ग्रीन सिग्नल मिलने पर अमृतसर के लिए ट्रेन रवाना हुई। मनावला और अमृतसर के बीच गेट नंबर 28 का डिस्टेंस और गेट सिग्नल ग्रीन पास किया। जैसे ही गाड़ी KM नंबर 508/11 के आसपास पहुंची, तो सामने से गाड़ी नंबर 13006DN आ रही थी। अचानक लोगों का हुजूम ट्रैक के पास दिखाई दिया, तो मैंने तुरंत हॉर्न बजाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। इस दौरान मैं लगातार हॉर्न भी बजाता रहा। इसके बावजूद कई सारे लोग ट्रेन के नीचे आ गए। जैसे ही ट्रेन रुकी, लोगों ने उस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने ट्रेन की यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन को आगे बढ़ा दिया।